राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले गैंगस्टर संपत नेहरा को रोपड़ पुलिस बठिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। रोपड़ पुलिस की एक टीम संपत नेहरा को लेने बठिंडा गई और गुरुवार दोपहर को पुलिस उसे भारी सुरक्षा के बीच रोपड़ के CGM सीमा चौधरी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने पूछताछ के लिए उसका रिमांड मांगा। पुलिस ने संपत नेहरा को 8 दिन की रिमांड पर लिया है। जानकारी के मुताबिक नेहरा को 17 नवंबर को FIR नंबर 82 के संबंध में पूछताछ के लिए रोपड़ के भगवंतपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत रोपड़ पुलिस संपत नेहरा को बठिंडा से रोपड़ जेल लेकर आई। कोर्ट ने संपत नेहरा को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब पुलिस उसे 15 दिसंबर को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में गैंगस्टर संपत नेहरा का नाम सामने आया। जब ये घटना घटी तो वो बठिंडा जेल में बंद था। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश पंजाब की बठिंडा सेंट्रल जेल में करीब 10 महीने पहले रची गई थी। पंजाब पुलिस ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए मार्च में राजस्थान पुलिस को इनपुट भेजकर अलर्ट भी किया था। पंजाब पुलिस ने मार्च में राजस्थान पुलिस को बकायदा एक पत्र लिखा था। पत्र में बताया गया था कि बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रच रहा है। उसने वारदात के लिए AK-47 का इंतजाम भी किया है। इसके बावजूद गोगामेड़ी की हत्या हो गई। हालांकि अलर्ट के बाद राजस्थान ATS के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इस बारे में सूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी, जो लॉरेंस गैंग का गुर्गा है। संपत नेहरा और गोदारा लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि गोगामेड़ी की हत्या के बाद जेलों में बंद गैंगस्टरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं अगर राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर आती है तो आरोपी संपत नेहरा को राजस्थान भेज दिया जाएगा। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। ये वही गैंगस्टर है जो पिस्टल लेकर अभिनेता सलमान खान को मारने मुंबई पहुंचा था। संपत नेहरा को पंजाब पुलिस ने मार्च महीने में हथियार तस्करी के एक मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लिया था।